एमएनएस न्यूज लाइव पर चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। दिल्ली में शख्स ने की पत्नी की 17 वर्षीय भांजी की हत्या, दीवान में छुपाया शव। दिल्ली में 17 वर्षीय किशोरी की पिछले महीने हुई हत्या मामले में रिश्तेदार व उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। बकौल पुलिस पति पत्नी शव दीवान में छिपाकर रात भर उस पर सोए थे। शख्स ने पुलिस को बताया कि पत्नी के कहने पर उसने भांजी की हत्या की। पुलिस के अनुसार आरोपी यौन संबंध बनाना चाहता था, जिसका किशोरी विरोध कर रही थी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में खुले करीब 8 महीनों के बाद सिनेमाघर, तस्वीरें आई सामने। कोविड-19 महामारी के चलते करीब 8 महीने से बंद महाराष्ट्र के सिनेमाघर गुरुवार को दोबारा खुल गए, जिनकी तस्वीरें आई सामने। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सिनेमाघर और थिएटरों को 50 दर्शक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। वहीं स्विमिंग पूल और योग केंद्र को भी शुरू करने की इजाजत दी गई है। वहीं तीसरी ओर महाराष्ट्र के रायगढ़ में रसायन फैक्ट्री में विस्फोट, 2 की मौत, 6 घायल। पुलिस ने बताया है कि रायगढ़ महाराष्ट्र में बुधवार देर रात एक रसायन फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य 6 व्यक्ति घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार सभी घायलों को एक सरकारी अस्पताल में ले जा गया और गुरुवार सुबह तक आग बुझाने का काम जारी रहा। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें।